अभी हमारे साथ में मौजूद है राजू भाई, जो चीता गैंग के जाने माने हस्ती हैं। राजू भाई, आप आपसे बहुत सारे सवाल है, हमारे ऑडियंस ने रिक्वेस्ट किया कि आपसे सवाल करने के लिए। आपका पहला सवाल यह है कि राजू भाई गायब हैं, मतलब आप जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ आप नजर नहीं आ रहे, उसकी वजह बताइए। राजू भाई गायब है, राजू भाई कहाँ गायब है भाई? एक दिन का जो पहला ये था तो उसमें मैं आ गया था फॉर्म हाउस, बच्चे लोग को भाभी लोग को लेके सब, कि मतलब एक दिन छुट्टी है तो जाके आएंगे। तो जब एक दिन आया तो नहीं नहीं राजू भाई, आप सियासत में है और आपको अच्छी तरह पता है कि आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा है। नहीं नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो यहाँ नहीं, मैं तो कहीं से भी आ जा सकता हूँ, मैं किसी से सिक्योरिटी से बात करवा गया, मैं कहाँ मना करूँ, लेकिन मैं फैमिली छोड़ के कैसा हूँ? मेरे साथ में मेरी बहन लोग है, मेरी वाइफ है, बच्चे लोग है, 15-16 लोग है, ये लोग को छोड़ के कैसा हूँ? मेरे को नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरे साथ वाले उनको तो रोकेंगे। वो जैसा भी कांड हो गया था अभी, वो दूसरा कांड हो गया, 5 लोग गाड़ी लेके गए फार्म हाउस पे रहे क्वारंटाइन, वो तो मैं नहीं चाहता हूँ ना भाई, मैं इशू नहीं करना चाहता हूँ, मैं वहां रहूँ या कहीं रहूँ, लेकिन मेरा जो फर्ज है वो मैं किधर बैठ के भी अदा करता हूँ। मैं मेरे गांव का बच्चा हूँ बोलता हूँ, तो मैं मेरे गांव के लिए कर सकता हूँ और करता हूँ। मेरी क्या गलती है बताओ, मैं सब चीज का जवाब देने के लिए राजू उसके लिए। यहाँ पे आवाम काफी परेशान है और आप हॉलीडे वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। नहीं भाई, वेकेशन कैसा, अभी का सलमान खान भी वेकेशन गया, अटक गया आदमी, ठीक है मैं आ सकता हूँ, मैं बीवी बच्चे लोग को भाभी लोग को छोड़ के, मेरी बहन लोग को छोड़ के कैसे आऊँ, ये भी तो सोचो ना, वो लोग यहाँ खाएंगे पियेंगे कैसे, तो रहना तो जरूरी है ना। और उधर रहूंगा तो मैं बच्चों को कहाँ पकड़ के रखूंगा घर में, मेरे को 100 लोग मिलने वाले, लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे बैठ के भी कोई मेरे को कॉल किया और मैं जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं है, एक आदमी नहीं बोल, तुमने भी कॉल किया, मैंने पूरे फोन उठाया, जिसने भी कॉल किया मैंने फोन उठाया, मेरी आदत है वो, तो मेरे से जो बन पड़ता है, जब उधर पे मारामारी हुई, किसी का हाथ तोड़े पैर तोड़े, वो भी मेरे को वीडियो आया, फोन करे पब्लिक में बात किया, तो सीनियर साहब से बात किया, समझ में आ रहा? वो उसके लिए तुम नहीं बोल सकते कि राजू भाई इधर से गायब है या वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जो मेरा जो फर्ज मैं अदा कर रहा हूँ, मेरे को बोल के सुनाने का भी नहीं, मेरे बाद ही लोग उतरे रहेंगे मार्केट में, पब्लिक मेरे को देख के कुछ भी, मेरे पीछे पीछे मेरा देखा देखी लोग करेंगे, राजू पहले उतरता हर चीज में। राजू भाई दूसरी चीज है, मतलब अगर आपके जो ऑफिस में राशन बांट रहे, जो आपका टीम जो राशन बांट रहा है, ये सिलेक्टिव लोगों को दे रहा है, मतलब चेहरा देख के दे रहे हैं, ये आरोप है आपके? भाई अभी तक वो लोग के पास में 1800 लोग को राशन दिए, और भी राशन आने वाला है, रमजान में बांटता हूँ वो अलग है, अभी वो राशन आएगा वो भी जो जाएगा, जो लोग है ना भाई मेरे जैसे, सुनो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तुमने बोले ना सिलेक्टेड लोग, तो सिलेक्टेड लोग है या कौन है वो तुम देखना, मेरे ऑफिस से जाने का 1800 लोग का लिस्ट लेने का, उसमें देखने का, वो लोग जरूरतमंद को दिए, तुम 3 माले का घर रख के गाड़ी रख के आके मांगेंगे राशन, उन लोगों को नहीं देंगे, क्या देंगे भाई, जिसकी जरूरत है उसको देने का है, और वो मेरे को बताने का भी नहीं है, नहीं, ये जो सवाल है ये तो मेरा तो नहीं है सवाल, ये आवाम का सवाल है, आवाम का ये बोलना है कि आप सिलेक्टेड लोग को दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कौन सी आवाम भाई, जिसको राशन चाहिए वो मेरे को कॉल किया, मेरे नंबर पे मेरे लोग को किसको भी कॉल किया, रिटर्न उसके घर पे नहीं गए, या वो कॉल पे फोन उठा के रिटर्न उन लोग के घर पे जाके राशन नहीं दे, तो एक आदमी तो बताओ जो मेरे को कॉल किया और उसके घर पे मैंने आदमी नहीं भेजा, मैंने पूरे जिसको नहीं भेजा वो लोग नंबर पूरे मैं माजिद को व्हाट्सअप करके रखा हूँ कि जैसे राशन आएगा इनके वापस घर पे जाके दे रहे, मेरे ऑफिस पे जर्दी करने की जरूरत नहीं, वापस हो जाके जो तुम्हारा हक का है, मैं तो बोलता हूँ कि मैं मेरे लोगों के नसीब का कमाता हूँ, और ये आज नहीं मैं मरते दम तक बोलूंगा, मैं मेरे नसीब का कमा के खा लिया, मैं इनके नसीब का मिलता उसमें मैं भी खाता हूँ और इन तक पहुंचाता हूँ, वो जो भी है वो मेरे पास से लिस्ट ले लो देख लो, जरूरतमंद के पास ही पहुंचा रहेगा, और जो लोग बचे उनके पास भी चला जाएगा, वो जो लोग बचे उनके पास भी चला है, जिनके पास नहीं गया उसके पूरे पास मेरे पास नंबर है और उनके एड्रेस है, उनके तक मैं पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। राजू भाई, चीता गैंग में यहाँ पे काफी मसले हो गए, जैसे कब्रिस्तान का इशू हो गया, तो वहां पे आप मौजूद नहीं थे, तो मतलब आवाम का ये कहना है कि मतलब ऐसे कोई मसले में राजू भाई नजर नहीं आते हैं और इलेक्शन के टाइम पे बाहर निकल जाते हैं। बराबर, इलेक्शन ये टाइम पे नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन के टाइम में नजर आ भाई, ये कब्रिस्तान ना 40 साल में किसी ने नहीं मंगा था, ये राजू ने मंगा था, राजू के संस्था को अलाउड करी थी, अलाउड हो गया था, फिर उसको रुकाया किसने, उसने मार किसने खाई, ये तो पूरे मैं उस पर केस लिया हूँ यार, किस कौन सा चीता गैंग का स्टॉप है जो कब्रिस्तान के लिए अपने ऊपर केस लिया, वो मैं हूँ, मैं शख्स हूँ, वो बिंदास मैंने बीएमसी का वो बोलो मैं एक्सेप्ट कर रहा है या कुछ भी बोलो, बीएमसी के अंदर लपड़ा हुआ सबको मालूम है, केस लिया उसका कान फोड़ा, क्यों फोड़ा, क्यों मारा, मेरा घर बनाने के लिए मारा क्या उधर, या मेरे को कुछ जगह चाहिए थी वो उसमें मैं मेरे पर्सनल पैसे से काम करा रहा था, वो रुखाए बोल के मेरे को गुस्सा है, मैं चंदा मांग के तो नहीं कर रहा था, ये लोग सब साले जितने भी टॉप लोग है सबको बोल रहा हूँ, सब भीख मांगते चंदा करके काम करते थे आज तक चीता के, मैं एक ही आदमी है जो अपने पैसे से काम करता था, वो क्या रुकाए, मैं तो किसी से मांगने नहीं गया था कब्रिस्तान के काम में,
अंदर लाख लगता है, 1.5 लाख लगता है, कलर का काम करा रहा था अंदर। ये लोग ने गए उधर पे, रुका है मेरे को, बोले उसको मत दो, काम कराओ। मेरे को बीएमसी से फोन आया, बिंद्रे साहब ने फोन किया, राजू बाबू पाइप सड़े ले, मतलब मैं करवा लेता हूँ। बोले बल बदली कराने, मतलब सब करवा लूंगा थोड़ा सा। बोले ठीक है तुम करा लो। फिर वापस गए, नहीं वो क्यों कराएंगे, बीएमसी कराओ। बीएमसी कराया आज तक, पूरा सेट गिर गया, कराई क्या? अब अरे सिर्फ उस पर भी पैसा कमाने के साथ, इनको मालूम नहीं। शायद आपको पता है क्या? नहीं पता है, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे एक 10 दिन पहले ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया था जहाँ पे कोई बाहर में कोई डेड बॉडी थी। नहीं नहीं, अरे भाई मेरे भाई, मेरे को सब पता है भाई, बाहर की डेड बॉडी कौन लाया, किधर खड़ा किया, उसके बाद में 11 बजे लाके 1 बजे दफनाऊंगा बोल के, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। 11 बजे किसी राजू करीम बाबा की है, मैं तुमको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। वो राजू को फोन कर रहा है, तो रवि भाई के बेटे को, राजू कलस्त्री को, अरे बोले भाई इधर आ जाओ, जल्दी गेट के पास आ जाओ, गाड़ी इधर ला लो, एम्बुलेंस खड़ा किया हूँ, अभी 11 बज रहा है, मैं 1 बजे लेके आगे काटूंगा। क्यों छुपा के काट रहा भाई तू? नहीं नहीं, मैं सीनियर साहब से भी बात किया, नहीं बोले उसको अंदर रखे, उसके ऊपर केस लेंगे। सीनियर साहब बोले, मतलब ठीक है देखो, मतलब ये आवाम को खराब, देखो अगर ओपन करके बोलते ना भाई कोरोना का बॉडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छुपा के क्यों लाने का? छुपा के लाके करने का डिक्लेयर करो कि भाई कोरोना का मुसलमान है, गाड़ सकते। पूरी आवाम आती थी ना साथ में गाड़ने के लिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं बोलूंगा थोड़ी कि मेरी बॉडी क्या, ये तो मुसलमान है उसको मट्टी नसीब होना चाहिए और सब लोग मिलके जाके देना चाहिए। तुम अलग से रात में चुपके से लेके जाके चोरी से खोद के गाड़ रहे, क्यों भाई गाड़ रहे? कुछ था नहीं ऐसा, लेकिन बनाया गया। मैं सीनियर साहब से बात किया तो बोले भाई वो मेरे को व्हाट्सएप भी आया कि वो सस्पेक्ट की बॉडी थी, मतलब उसमें पॉजिटिव नहीं था वो सब। भाई मेरे को पूरी जानकारी, मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ नहीं रखा गांव के बारे में, ऐसा नहीं, पूरी चीज जानकारी। मैं बात भी किया 1 से 2 टाइम सीनियर साहब को, बात भी किया वो मैटर में, तो बोले सस्पेक्ट भी राजू भाई से फिर लपड़े हुए, तभी भी मैं बोले साहब हाथ बाहर से बुला के आप मारने लगा रहे, तब उधर के लोग ठीक है बोले, अभी बोला मैं कॉपरेट करता हूँ, मारने लगा। फिर मैं 9 बजे तक का बोला उनको, बोला 8-9 बजे तक चालू रहने दो, राशन के लिए तो पब्लिक निकल रही होनी, पब्लिक को भी बोला लेके जाओ, जो फालतू दिखता ना बिठाओ, फाइन मारो। मैं मेरे मुंह से बोला कि फाइन मारो, बोलो फाइन का पैसा नहीं होगा ना मैं भेजूंगा बाद में, मेरे को भी फ्री में मेरे फोन पे नहीं छोड़ने का, फाइन पैसा लेके छोड़ने का, तो पब्लिक घर में बैठेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब आज सवेरे का नेशनल टेलीविजन ने एक रिपोर्ट बनाया चीता कैंप के ऊपर, जहाँ पे ये बताया गया लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। चीता कैंप की आवाम सुनने को तैयार नहीं है लॉकडाउन को, और लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रही है। नहीं सुनेगी ना, मेरे को मालूम है, अगर सुनने वाली रहती तो मैं भी बना के डालता ना भाई, हाथ धो, ये करो, घर में रहो, सेफ रहो। नहीं सुनेगी अपनी पब्लिक, इनको सबको मालूम है, यकीदा एकदम सबका अच्छा है चीता कैंप में, मौत देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, सबको दिमाग में बैठा, किसको समझेंगे? अब राजू को बोलेंगे डर, राजू गोली से नहीं डरता, आगे बोले फार्मोस में क्या डर के बैठा क्या? मैं डर के नहीं बैठा, लेकिन मैं क्यों डर के बैठा मालूम है? मेरे बच्चे है, मेरी बीवी है, मेरे को 10 लोग आके मिलेंगे, लेकिन मेरे को होने लगेगा ऐसा नहीं, अल्लाह चाहेगा तो लगेगा, अल्लाह चाहेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं आज में कूद जाऊँ क्या? मेरे को वो मौत नहीं चाहिए, जो मौत हो रही ना, जो कंधा नहीं दिया जाएगा, जो उसको उसके घर वालों को बॉडी नहीं देखने मिलेगी, ना गुसल नहीं मिलेगा, ना उसकी कोई नमाज जनाजे की नमाज नहीं होगी, वैसी मौत नहीं चाहिए, उससे डरा हुआ हूँ मैं। और पब्लिक सबको डरना चाहिए, इनको ये चीज का डर नहीं दिखाएंगे ना जब तक। मैं तो एक ही बोलूंगा, चीता का मौला अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो एक ही बोलूंगा कि तुमको ऐसी मौत चाहिए क्या, जो तुम्हारी नमाज नहीं पढ़ा जाए, तुमको गुसल नहीं दिया जाए, और तुम्हारे मैयत में कोई नहीं आए, ऐसी मौत तो नहीं चाहिए, इतना डर के रहो। इसके बाद कैसे चलते चल, अल्लाह कभी भी मौत देना और लेना सब अल्लाह के हाथ में हो, कभी भी देगा कभी भी लेगा, लेकिन ऐसी मौत नहीं चाहिए, ये चीज से कह रहा हूँ, अल्लाह हमको ये मौत नहीं दे, बाकी कैसी भी मौत दे, कल लेने का आज दे दे, लेकिन ऐसी मौत दे। इस टाइम पे मालूम है कोई भी कैसे भी मरा, ये बीमारी से नहीं, अगर ऐसे भी मरा ना आदमी, नॉर्मल बीमार मरा ना आदमी, तो भी उसको गुसल नहीं हुआ, उसको अगर गुसल दे दिया तो उसको मैयत को कोई कंधा नहीं देगा, डायरेक्ट बोलते लोग एम्बुलेंस में लेके जाओ और गाड़ दो, क्या फायदा ऐसी मौत? ये टाइम की मौत नहीं चाहिए, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद क्लियर हो जाएगा, जब मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। राजू इधर मर गया तो इधर गाड़ दो मेरे को, बराबर बोलो। दूसरा सवाल ये है कि मतलब लॉकडाउन के नाम पे, कोरोना वायरस के नाम पे जो अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो बंद किया है, वो बंद पे बहुत छोटी से लेकर बड़ी सियासत तक खुल चुकी है, मतलब सियासत ही सियासत हो रहा, खास करके आपके इलाके में सियासत काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है भाई। इसीलिए तो मैं अभी तक, मेरे को बहुत न्यूज वाले फोन करे कि भाई तुम बाइट बना के भेजो, मैं राजी नहीं था, क्यों उस पर ये क्या कबरों के ऊपर, मैयत के ऊपर सियासत करना, मौत के ऊपर पैसा कमाना, ये सब मेरे को ना एकदम, ये
मतलब आदमी मरेगा ही नहीं क्या कभी सब छोड़ के जाने का इधर पे, एक दिन मर के सब छोड़ के आना। मेरे को ये बचपन से आदत, मेरे दिमाग में बचपन से बैठा है, इसके लिए ना तो राजू पैसे की कदर करता और ना किसी की कदर करता। यही असलियत है कि सब छोड़ के जाना है। मैं बहुत जमा करके रखूंगा, मेरा बेटा नाला करेगा सब खत्म कर देगा इस साल। फायदा किस बात का फिर जी राजू? नहीं देना अल्लाह क्या में। जी 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 राजू भाई, दूसरा सवाल यह है कि मतलब यहाँ पे जो छोटे मोटे लोग हैं जिनके पास, जिनका राशन कार्ड में अपडेट नाम नहीं आ रहा है, जिनके राशन दुकान वाले चीटिंग कर रहे हैं, मतलब वो सब तक कोई आवाज नहीं उठा रहा है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सीता कैब की कोई भी परेशानी रहे, मैं तो स्टेज से बोला हूँ कि मैं फोन नहीं उठाया तो मैं गलती आज भी करूँ, राशन वाले करे कुछ भी रहो, मैं नहीं उधर तो मैं किसी भी आदमी पे को भेजूंगा। माजिद यहाँ था मेरे साथ में, उसको मैंने भेज दिया, राशन बांटने का था या लगने का था। मैं जैसे ही पहले एक दिन का हुआ था लॉकडाउन 22 तारीख का, सब इधर ही था, उसके दो दिन के बाद मैंने उसको भेज दिया तो वो गया ही ना। मैं भी ऐसी आ सकता तो मैं गया उधर राशन बांटने लगा। जो काम है मेरा मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ भाई, दूर रहूंगा तो भी नजदीक रहूँ दूर रहूँ मैं मेरा काम कर रहा हूँ। राजू भाई आवाम के लिए क्या मैसेज होगा आपका? आवाम के लिए यही मैसेज होगा भाई कि मैं तुमको नहीं बोलूंगा, हाथ घड़ी घड़ी दो, बाहर मत निकलो, सेफ रहो। अभी कैसा एक 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 सुना है साइन हॉस्पिटल का बच्चे का, उसका बाप पूरा घूम के आया और बच्चे को लग गया। बच्चे की क्या गलती थी, वो भाई बाप आया, बाप के अंदर स्टेज में आया तो वो ठीक हो गया और बच्चा मर गया। मतलब बाहर जाके आने के बाद ही वो बच्चे को लगा और बच्चा मर गया ना। मतलब क्या, तो ये बड़े घूम के आ रहे और बच्चों को लगा रहे। बच्चे लोग में और बूढ़े लोग में वो साइन करने की ताकत नहीं रहती, उनके पास जल्दी अटैक होता, तो ये इनको सोचना चाहिए। ये अरे तू बाहर घूम रहे क्यों, जरूरत के इतना जाओ और बाद में आ जाओ, पुलिस भी नहीं बोलेगी कुछ और कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अभी मैं बोलूंगा भाई, ये अपने माँ बाप की नहीं सुनते, मेरी कैसे सुनेंगे। लेकिन फिर भी इतना मैसेज देंगे कि भाई एक ही मैसेज दूंगा कि तुमको वैसी हराम मौत ना तुमको चाहिए ना तुम्हारे घर वालों को देना। मेरा मेरा गाँव ना मेरा घर है भाई, मैं हमेशा ये सोचा सीता कि मेरा घर गांव नहीं है मेरा घर है, तो मैं वो हिसाब से चलता हूँ। वो बोलूंगा मैं मेरा घर वाला कोई ऐसा मरेगा उसको जिसको गुसल नहीं दी जाए, उसको कोई कोई कंधा नहीं दिया है, तो वैसा काम मत करो, वैसा मत करो। बाकी अल्लाह की मर्जी है, जिसको जैसी मौत देने का अल्लाह की मर्जी, लेकिन तुम्हारे हाथ में एहतियात करो। इतना ही मैसेज दूंगा कि भाई एहतियात करो, आप लोग मत निकलो। और तुम्हारे तक ना भाई, तुम घर में रहो या बाहर जाओ या मेहनत करो या नहीं मेहनत करो, तुम तक जितना पहुंचने का वो पहुंचा देगा अल्लाह। तुम कुछ मत करो, तुम घर में सो जाओ, अगर तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे घर तक नहीं आएगा ना तो मेरे को कॉल करके पूछना, ये रिजल्ट आएगा तुम्हारे घर में जैसा मैं निकला हूँ वैसे। और बहुत से लोग है भाई बनमुक्ति, बहुत लोग है वो एक बॉम्बे में एक ने आर्टिस्ट ने किया ऐसे काम, बोले एक एक रात को 2 बजे बोले सबको एक एक किलो आटा दूंगा, जिस जिसको जरूरत है आके लेके जाओ। अभी जो जरूरत मत था ना भाई, वो एक एक किलो आटा लेने गया और वो आदमी ने क्या किया पता है, सबको 15,000 रुपया दिया। अच्छा तो उसमें क्या किया, फालतू लोग नहीं गए, जिसको एक किलो आटे के लिए कौन जाएगा, एक किलो आटे के लिए वही जाएगा जिसको जरूरत है, सही में जरूरत है, जिसके घर में नहीं है। तो वो आदमी ने क्या किया, सबको 15,000 जो एक एक किलो आटे के लिए खड़े थे उनको एक किलो आटा नहीं दिया, सबको 15,000 रुपया बांट दिया। तो ये स्टाइल अल्लाह पहुंचाने की जगह पे पहुंचाता है और देने वाले भी है बहुत बनमुर्ती, वो पहुंच जाएगा। लेकिन यकीदा रहना चाहिए, देखो भाई एक गटर में कीड़ा है, उसको अल्लाह पैदा करता है तो पहले उसका रिजक पैदा करता है, बाद में कीड़ा पैदा करता है। हम इंसान है, जो हमारा यकीदा अच्छा रहेगा ना तो हमारे तक सब चीज पहुंचेगी। चल ठीक है राजू भाई, मेरे गांव में मेरी जब भी जरूरत है मेरे को फोन करो, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं रहता, मैसेज करो, मैसेज पे भी जवाब दूंगा, व्हाट्सएप कॉलिंग चालू है, नेट है तो उस पे व्हाट्सएप कॉलिंग में भी सभी फोन उठा रहे, सभी फोन पे जवाब दे रहे। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, तुमने फोन किया मैं नहीं उठाया क्या? जी जी जी, तुम्हारा नंबर मेरे पास स्टोर नहीं है और तुमसे छोड़ के दूसरे भी आए, 2-3 मीडिया वाले भी किए, बोले भाई वीडियो बना के तो नहीं भेजता, मैं वीडियो बना मैं झूठ बोलूँ क्या, मैं फंस गया हूँ मैं नहीं आ सकता। सबको मालूम है सलमान खान भी जा सकता था, मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन जाके करूँ क्या, वही जो यहाँ बैठ के करने का वही वहाँ बैठ के करने का, जाके मेरी तो छोड़ो, मेरे घर वालों की जान क्यों खतरे पे डालूं, बताओ। वो सही, वो चीज एकदम सही बोले आपने। अभी मैं कुछ लफड़ा होगा तो उधर जाऊं, यहाँ से बैठ के भी वही कर रहा हूँ, और मेरी जिधर जरूरत है, मेरी जरूरत लगेगी ना तो भाई मेरे को 2 घंटा लगेगा सेल्फ मार के पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, मेरी जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा, मेरे को कल पड़ेगा तो ठीक है राजू भाई, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, शुक्रिया राजू भाई, शुक्रिया भाई, सलाम वालेकुम। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।